हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, सलमान खान शादी कब करेंगे, ये सवाल शायद उनका हर एक फैन जानना चाहता है। जब भी उनका नाम किसी भी लड़की से जोड़ा जाता है तो उसके साथ ही उनकी शादी के चर्चे भी शुरू हो जाते हैं। ये सवाल अब इतना बड़ा हो चुका है कि सलमान के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले सलमान की शादी तय हो गई थी। इतना ही नहीं, बाकायदा कार्ड भी छप गए थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान की शादी किससे तय हुई होगी, तो इसका जवाब है कि उस अभिनेत्री को भी आप अच्छे से जानते हैं और वह शादी टूटने के बाद भी सलमान की बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दौर की खूबसूरत अभिनेत्री संगीता बिजलानी की। वही संगीता बिजलानी और जिन्होंने त्रिदेव, हातिमताई और तहकीकात जैसी फिल्मों में काम किया और फिर 1996 में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। संगीता बिजलानी और सलमान ने साल 1986 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। तब संगीता फिल्मों में भी नहीं आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में थे। बात शादी तक पहुंची और कार्ड भी छप गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। सलमान ने अपने इंटरव्यू में इस बात को कबूल भी किया था कि कार्ड छप कर कई जगह बट भी गए थे लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। ऐसी खबरें थी कि सलमान और अभिनेत्री सोमी अली के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी। संगीता को जब सोमी अली से सलमान खान की नज़दीकियों की बात पता चली तो उन्होंने शादी तोड़ने का मन बना लिया और आखिरकार दोनों का ये रिश्ता टूट गया। हालांकि अब भी सलमान और संगीता के बीच गहरी दोस्ती है।